अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शमाला ख़ान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रऊफ शेख। IBE टेस्ट 33 से 39 मार्क लेने वाले मुजाहरीन की गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी से मुलाकात। IBE तहरीक के रहनुमाओं का गवर्नर से मुलाकात के बाद एहतजाज मौखर करने का ऐलान। IBE तहरीक के चेयरमैन दीदार लगारी और समरीन ने पाकिस्तान 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपकी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात से आप क्या कहना चाहते हैं? अभी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई तो उसने यही बताया कि आप मुझे एप्लीकेशन दें और इंशाल्लाह मैं ऊपर बात करूंगा, नंबर वगैरह ले लिया मेरा और जो मैंने अपने डिमांड्स थे वो उनके आगे मैंने पेश कर लिया। ये मसले जो हमारे IBE के हैं इशू, तो गवर्नर साहब ने बोला कि हम 2 दिन का टाइम मुझे दे दो, मैं वहाँ से बात करके आपकी मीटिंग अरेंज करवा के वहाँ पे गवर्नर पे हाउस पे बुलाऊंगा। क्या गवर्नर साहब इस एहतजाज से नामल थे, यानी उनको कुछ पता ही नहीं था एहतजाज का? उनको नहीं पता था, यहाँ पे प्रेस क्लब पे आया था तो उसके हवाले से हमने उन्होंने एहतजाज सुना, फिर उन्होंने हमें बुला भी लिया और बात भी कर ली, आगे एप्लीकेशन भी रसी की। उन्होंने बोला कि हम आगे इंशाल्लाह बात करके आपकी जो भी जरूरत है मसले हल कर। दीदार भाई, पहले भी आपकी सरदार शाह से मुलाकात हो चुकी है, उसमें आप इत्मीनान जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्या गवर्नर की मुलाकात से आप इत्मीनान जाहिर कर रहे हैं? सरदार शाह से तो मुलाकात नहीं है, सरदार शाह से तो सिर्फ हैदराबाद में और वहाँ पे शहबाज बिल्डिंग में मुलाकात हुई थी। उन्होंने यही मौक़ दिया कि हम आपके फेवर में हैं, आपकी जो समरी है और कैबिनेट का फैसला है इंशाल्लाह आपके फेवर में, वहाँ पर मैं भेज रहा हूँ इंशाल्लाह आपका मसला। फिर वो अपने जबान पर उतर जाता है, मसले नहीं करवाता है। और एहतजाज का दायरा जो हमारा पूरे सिंध में आप देख रहे हैं, शराबा एहतजाज अभी इंशाल्लाह अभी लोगों से डिस्कस चल रहे हैं हमारे बंदों से, तो आगे राय हम जो होगा हम बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी भाई जी, आप बताएं अभी जो गवर्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई है उसमें क्या मुजाकरात हुए, इस गवर्नर साहब ने क्या बताया? और आपकी जो जायज़ मुतालबात है वो ज़रूर इंशाल्लाह पूरे करवाने की कोशिश करूंगा, जो भी होगा मैं आपको, हमारा उसने नंबर वगैरह लिया हुआ है सारा, उसने बोला कि मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा, इंशाल्लाह फैसला आपके हक में आएगा। अच्छा, टाइम दिया है या कुछ ऐसे ही आगे? बोला था कि 2 से 3 दिनों में मैं आपको कॉल करके सारी चीज़ें कन्फर्म करूँगा, उसके बाद ही हमारा अभी हम जो अपना नया अमल ला रहे हैं कि हम 2 से 3 दिन अगर वेट कर सकते हैं तो वेट करेंगे, उसके बाद जो हम करेंगे वो 1-2 दिनों में उसके बाद हमारे। अच्छा, हुकूमती इतिहादियों की जो नुमाइंदे हैं उनसे भी आपकी पहली मुलाकात भी हो चुकी है ना, उनमें क्या हुआ था? सर, हुकूमत के नुमाइंदों से तो मुलाकात नहीं हुई, नीचे वाले लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं लॉलीपॉप देकर यही चले जाते हैं कि आए आपकी सरदार शाह से मुलाकात कराते हैं। 4-4 घंटे वहाँ पर हमें बिठा कर और सरदार शाह दूसरे दरवाजे से निकल कर हमें लॉलीपॉप ऐसे ही देकर चले जाते हैं, इसलिए आज हमें इतना यकीन नहीं था कि हमारा गवर्नर साहब से वाकई में मुलाकात होगी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छे आदमी हैं, उसने हमने अच्छे से बात सुनी और बहुत सुकून से प्यार से बात की, उसने हमें यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह आपका काम करवाएंगे। थैंक यू।